वेलकम इन्वेस्टर्स, स्टॉक इन द न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इंट्राडे सेटअप का रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में, कोल इंडिया का जो हमने सेटअप किया था। आज का डेट है 9 अक्टूबर 2020। और जैसे कि अगर हमारे प्लेलिस्ट में एक सेटअप हमने दिया था कोल इंडिया का, और यहाँ पर देखिए बैनर पे ही लिखा हुआ है सेल करना है 115 से लेके तो 116.50 के बीच में, जो भी आपको सूटेबल प्राइस लगता है वहां आप शॉर्ट कीजिए और 117 का टारगेट रहेगा। तो इस टारगेट के साथ में हमने, आप फिर से जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इसके हमने दो ट्रेड आपको दिए थे। एक ब्रेकआउट के ऊपर दिया था, अगर लोस के नीचे भी अगर गैप डाउन ओपन होता है तब भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। और जो हमारा सिंपल सा एक टेक्निकल एनालिसिस होता है डिमांड सप्लाई बेस, उसके बेस पे भी हमने ये जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट का हमने यहाँ पर देखिए ये एक सपोर्ट एरिया हुआ करता था, फिर ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले करने लगा जब स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया। तब हमने इसका एक एनालिसिस किया था और एनालिसिस में आपको बताया था कि किस तरीके से हम 30 मिनट के चार्ट पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि कैसे इस स्टॉक ने कोल इंडिया के एक ब्रेकआउट दिया था। और अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये 30 मिनट का चार्ट है, एकदम सिंपल सा एनालिसिस था ये। अगर आपने वीडियो देखा है प्लेलिस्ट में, हमने दो बार इसका एनालिसिस और रिव्यू कर चुके हैं, एक सेटअप का वीडियो है और एक रिव्यू प्लस एनालिसिस। ये 30 मिनट का एक सप्लाई जोन है छोटा सा, और आप देख पा रहे हैं कि 116.50 से लेके तो 115 का जो एक सप्लाई जोन है, और ये रेजिस्टेंस लाइन हो गया। तो जैसे कि हमारे प्रीवियस कुछ वीडियो रहे उसमें हमने जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब ट्रेड किया तो हमारे एसएल हिट हुए थे, लेकिन जहां पर हमने डिमांड सप्लाई को ट्रेड किया वहां पर हमारे एसएल हिट नहीं हुए। और आज जिस तरीके से निफ्टी बुलिश है, अकॉर्डिंग उसके अगर कोई यहां पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करता है तो मिनिमम प्रॉफिट, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 115.50 में भी, अगर 115.50 में भी इसको अगर बेचा है तो यहाँ पर हमने 114.50 में या 114.80-19 के आसपास निकल जाना चाहिए, क्योंकि निफ्टी बुलिश है। और जब मार्केट बुलिश होता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये 30 मिनट का जो सप्लाई जोन है वो ज़्यादा देर तक इस प्राइस को ऊपर जाने से रोक पाएगा। तो हमें जब शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो वो भी देखना है, अगर हम वेट करेंगे ज़्यादा देर तक कि यहाँ पर 130 या 112 आ सकता है तो हो सकता है कि हमारा एसएल हिट हो जाए और जो अभी प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो भी हमारे हाथ से चला जाए। तो इस कंडीशन में अगर आपने 150.50 में भी इसे बेचा है तो आपका जो एसएल है वो ट्रेल करके आपने कम से कम उसी प्राइस पे लगा देना चाहिए जिस प्राइस पे आपने सेल किया हुआ है। जैसे कि चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, और ये जो सेकेंड कैंडल है यहाँ पर हमें बायर्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है और निफ्टी भी बुलिश है, तो हो सकता है कि ये 30 मिनट का जो है वो ब्रेक करके यहाँ पर एक हमारा जो एसएल है वो हिट हो सकता है। तो ये था कोल इंडिया का एक रिव्यू एनालिसिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।